कंपनी की गाड़ी है, इसमें अपने जो सेंटर लॉक लाए थे डालने के लिए, तो अभी ये मैं दूसरी कंपनी का लाया। उसका निकाल देने का रीज़न वो था कि जो ब्लैक कैट था उसमें जो ये अपनी ये जो मॉड्यूल आता था ये ज़्यादा आवाज़ कर रहा था उसका, ठीक है। और कुछ दिन के बाद ये 2-4 दिन के अंदर ये बंद हो गया, तो इसलिए मैंने उसको फिर निकाल दिया और अमेजोन से था अभी रिटर्न डाल दिया, ठीक है। अब मैं लोकल मार्केट में ढूंढ रहा था, ब्लैक कैट का मिला नहीं मेरे को, तो ये मेरे को मिला टॉर्क का, ठीक है। ये भी अच्छी कंपनी है, मार्केट में लोकल मार्केट में गार्जियन अवेलेबल है, ऑटोकॉप है, एक्जोन करके आती है वो कंपनी है, RD करके है वो। तो ये मुझे क्या बजट में लगा, ठीक है, जैसे समझो कि आप अपनी गाड़ी में तो सेंटर लॉक का तो उतना ज़्यादा वो नहीं बनता, सॉफ्ट ओप में है, इसको कोई भी अंदर घुस सकता है खोल के पीछे से या इधर से पर्दा फाड़ के। तो भी अपनी गाड़ी में सेंटर लॉक डलवाना था, तो एक बजट का में ये मेरे को मिला है, लोकल मार्केट में 2600 रुपये का मिलता है, ठीक है। सेम सब कुछ है, बस इसमें एक चीज़ नहीं है अपनी जो ब्लैक कैट है, आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ, जो इसकी MRP है 6000 है, ठीक है, बस ठीक है। ये 3 साल की वारंटी वाला ये सेम है, देखो ये रहा, ठीक है। ये मैं लोकल मार्केट से परचेस किया हूँ, लोकल मार्केट में ब्लैक कैट अवेलेबल नहीं है, तो अपने को क्या है, अपने को रिमोट सेंटर लॉक करवाना था, बस अपनी जो ख्वाहिश थी वो फ्लिप की वो इसमें नहीं हो गई पूरी, ये रिमोट है और बाकी तो सेम जो मैंने आपको बोला था सब कुछ है। ये इसकी वायरिंग, ठीक है, और ये इसका सायरन, इसकी वायरिंग करेंगे, बहुत आसान है, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो देखा किसी ने वायरिंग के बारे में नहीं बताया कैसे कहाँ कनेक्ट करना है। ये अपने सेंटर लॉक पे थोड़ा वेरी मतलब आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर सेम ही रहता है इसमें कनेक्शन, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये अपना जो दरवाजे की स्विच आती है और ये अपने बोनेट की स्विच आती है, ये उसका कनेक्शन है। अगर आप कर दोगे इसको तो फ़ायदा क्या होगा, समझो कि बिना लॉक खोले अगर आपकी कोई बोनेट खोलता है तो सायरन बजने लगेगा, अनलॉक किए बिना गाड़ी के कोई दरवाज़ा ऐसे खोल देता है तब भी सायरन बजने लगेगा, ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। ये लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा अपने में गाड़ी में तो है नहीं स्विच, ये सब बोनेट का अपने इंस्टॉल कर सकते हैं, देखेंगे बोनेट का और बाकी तो अपने करेंगे, लेकिन मेन अपना है पहले ये सेंटर लॉक लगाना, ठीक है। ये अपनी 4 मोटर हैं, ये मेन मोटर उसकी ख़राब हो गई थी कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन चल के, फिर ये अपनी 3 मोटर है बाकी। ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो मतलब लंबी होगी, क्योंकि अपने इसमें पूरा बाइक डायग्राम मतलब पूरी वायरिंग के साथ देखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं अपना वीडियो, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें, ठीक है। ये रहा इसका वारंटी कार्ड और उसके पीछे ही इसका डायग्राम है, तो आप देखेंगे पूरा कोड इसके साथ ही है, इसने 4 डोर का और बिक्की बोनेट का कनेक्शन जो आपको मैं बोला था ग्रे वायर वो, ठीक है। जो ब्लैक वाले सब ग्राउंड में जाएंगे, स्काई ब्लू है वो अपना इंडिकेटर में जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा स्काई ब्लू भी वो भी इंडिकेटर में जाएगा, तो एक लेफ्ट एक राइट में जाएगा। जो ग्रीन है वो अपने जो भी अनलॉक करने पर जो भी होता है उसमें कनेक्शन आएगा, फिर ब्राउन जाएगा बैटरी पर बैटरी हाँ, फिर माइनस जाएगा ब्लैक पे, येलो है सिग्नल में जाएगा, ठीक है। वाइट है वो ऑडियो सिस्टम मतलब जो भी आप ग्राउंड करना है वाइट वाले को, ठीक है। वायर कोड है 1 से 16 केबल है, तो ये पूरा उसका कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें अपने अभी इसको रहने देंगे, अभी ये वाला को बाकी रखते हैं उसके बाद में, मेन अपना पर्पज़ है ये कनेक्ट करना है इसको, ठीक है। तो मैं वायरिंग आपके साथ पूरी शेयर कर दी और मैं आपको बताते जाऊँगा कैसे करना है, ठीक है। तो पहला पर्पज़ आपको है जो अपनी गाड़ी है मेन, तो पहले आप ये सारे पैनल उस दरवाजे की भी इस दरवाजे की खोल लो, पूरी पैनल खोल लेने का फिर मैं आपको बताता हूँ पूरा। पहले अपने पूरी दोनों दरवाजे की पैनल खोल डालेंगे, वो दरवाजे का भी मैंने सब कुछ खोल दिया, अभी पैनल पूरी खुल गई, ठीक है। आपको बता रहा हूँ मोटर कैसे सेट करना, कोई भी एक मोटर ले लो इससे, फिर इसे देखो मैं ये अब देखो मेरे ये तो लेबर मैंने लगाया था, इसलिए आपको क्या करना है ऐसे रख के मोटर कोई चीज़ से लेके इसको मार्किंग करके फिर इसमें ये ड्रिल मारना, ये अपने में ड्रिल ही मारनी पड़ेगी कि ये दरवाजा अपना प्योर होल होने वाला है। अगर आपकी सिंपल कार है तो आप वो इसके साथ जो स्क्रू आता है वो दबा के मारेंगे तो होल हो जाएगा, आप देखेंगे तो काफ़ी मोटी की चादर, इसमें ऐसे हाथ से होल नहीं होने वाला, तो ये ऐसे होल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सेट हो जाएगा, ये दोनों दरवाजे मैंने होल किए,
ऐसे आपको कर लेना है, ड्रिल का इस्तेमाल करना है। फिर ये हो गया अपना, अभी अपने मोटर लगा लेते हैं, फिर अपने इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए पहले आपको दो लंबी तार चाहिए, ठीक है, तार का बंदोबस्त कर लेते हैं। चलिए अपने यहाँ पे ये अपनी मोटर लगानी है, ये इसमें दो वाली लगेगी क्योंकि ये अपनी मेन नहीं है, ठीक है। तो पहले तो अपने एक ग्लास ऊँचा कर लेते पूरा, यहाँ पे अपनी अपने मोटर लगा देता हूँ अंदर से, ऐसे ऐसे लगेगी तो ये अपना सीधे एंगल बनेगा, तो वहाँ से ये इसको खींचेगी, ठीक है। लगाता हूँ मोटर, लगा के फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मोटर लग गई अपनी, ठीक है। अब दूसरा काम आता है ये अपनी रोड का, ठीक है। ये इसके में से लग के फिर मैं आपको दिखा दूँ, जो रोड दिख रही है ये वाली, ये यहाँ पे इसको अपने टाई करेंगे, ऐसा जो एंगल है ना इसके ऊपर से, ठीक है। ये पुराने वाले का लगा हुआ, अपना नया एंगल यूज़ करेंगे, यहाँ पे इसके साथ बांधेंगे, तो ये ऐसे ऊपर नीचे होगी तो अपना इधर उधर काम करेगा, ठीक है। ये अपनी पट्टी लगा लेता हूँ, फिर आपको उसको टेस्ट करके दिखाऊँगा। ये देखो यहाँ पर मैंने लगा दिया और ये अपना अंदर लग गया। अब इसको अपनी धीरे टेस्ट कर लेते हैं, ये केबल अपना। इसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास, वो 9 एम्पीयर वो छोटी सी बैटरी नहीं चौरस वाली वो होनी चाहिए, या फिर अपने बैटरी से कनेक्शन देके अभी इसको अपना टेस्ट कर लेना, ठीक है। इसके लिए अगर आप बैटरी से टेस्ट करना चाहते थे, कैसा केबल ले लो, ये रहा मैंने केबल बनाया है, ठीक है। अपने अब इससे टेस्ट करते हैं इसको, यहाँ पर मैंने देखो केबल लगा दिया है, अब ये अपना जाएगा टेस्टिंग के लिए। आपको ये अपने आप टेस्ट कर लेते हैं, एक में आपका तार जाएगा, ठीक है, ये तार, और थोड़ा क्या सूट करना मुश्किल है, देखो, ठीक है। अब ये इसमें लगा के इसको ग्राउंड करना है, ठीक है। इसी काम मतलब अपना काम अच्छी तरह कर रहा है, ऐसे आपको टेस्ट कर लेना है। ये मैंने टेस्ट कर लिया अपना, ये हो गया एक, ऐसे ही सेम अब दूसरा वाला भी लगा लेंगे, फिर मैं आपको दोनों एक साथ लगा देते हैं, फिर अपने आपको फिर मेन वायरिंग सिखाता हूँ। ये मोटर लगा दी, इसको भी चेक कर लिया मैंने, ठीक है, और ये रहा इसका कनेक्शन, ठीक है। अब अपने मेन वायरिंग बिछाते हैं, वायरिंग में आपको दिखा दूँ क्या क्या है। हम लोग पहले सिंपल वाली वायरिंग करेंगे, पहले ये ले लेते, ठीक है, ये हो गया, इसमें दिखा दूँ। ये अपनी मेन डब्बी है, उसमें ये अपने को ये कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये फ्यूज है, और ये ले जाना आपके बोनेट साइड में, ठीक है। ये बोनेट की स्विच में जाएगा, एक प्लस एक माइनस, ये अपना सायरन में लग जाएगा, ठीक है। और ये पूरी वायरिंग करनी है, और ये मोटर का कनेक्शन, जितने भी मोटर हैं वो करना है। फिर ये ग्रे कलर है जो अपना दरवाजे की स्विच है, उसमें कनेक्शन करना है, ठीक है। बहुत सेम है, वायर छिपाने के लिए हम ये पाइप यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी आपको जैसे जैसे कनेक्शन करते जाऊँगा मैं बताते जाऊँगा। ये तो अपना डिक्की का, इसको अपने नहीं, दरवाजे का इसको अपने नहीं यूज़ करने वाले अभी, और इसमें भी ग्रे कलर इसको रहने देंगे, अभी बाद में इसको देखेंगे, होगा तो अपने इसमें अगर कहीं सेट होता होगा डिक्की कहीं बिना ड्रिल मारे, तो वो बोनेट वाला अपने तो सेट कर देंगे, जैसे जगह खाली पड़ी है यहाँ पे, यहाँ लगा सकते हैं, या फिर वो दरवाजे के साइड में किसी में लगा देंगे अपने, देखते हैं अगर यहाँ लगता है। दरवाजे में तो अपने को ड्रिल मारना पड़ेगा, वो तो बाद में लगाएंगे। चलिए मेन अपना सेंटर लॉक है वो चालू कर देते हैं, ये मेन केबल है जो कनेक्शन करना है, एक वाइट है, ऑरेंज है, वो सब आपको यहाँ से कोड देख के ये डायग्राम में यहाँ पे लगा देना है। इससे ऑरेंज है, ऑरेंज जाएगा रिवर्स में, ये दूसरा है पर्पल टाइप में है वो जाएगा इसमें, लाइट में अपने को लगाना नहीं है, लाइट में है, ठीक है। फिर बाकी तो कनेक्शन करते जाते हैं, फिर मैं आपको पूरा बता दूँगा कौन सा वायर कहाँ जाएगा। पहले अपने ये डिब्बी को अपने कहीं जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे उसको छिपा दो, पहले मतलब वहाँ छिपा के अपने काम शुरू करते हैं। तो जो अपनी ये जो कंट्रोलर थी, देखो अपने इसको यहाँ पे मैंने टाई कर दिया है, ठीक है। ऐसे आपको अच्छी जगह छिपा देना है, ठीक है। और यार इसका नीचे पोर्ट यहाँ से अपने कनेक्शन कर देंगे। अब उसके लिए अपने पहले ये ले लेते हैं, आपको बता दूँ इसमें से ये जो पूरा हिस्सा है, ये वाला ये चला जाएगा अपना बोनेट के अंदर, ठीक है। और बाकी कुछ है नहीं,
ये अपने लॉक का सिस्टम है, वो दूसरी वाली वायरिंग के साथ कनेक्ट होगा, और ये अपना इधर जाएगा, यहाँ साइड वायरिंग कनेक्ट होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले अपने इसको आप लगा देते हैं और इसको वायर को बिछा देते हैं बोनेट के अंदर। तो ये अपने यहाँ से पुराना तार निकलता है, यहाँ से अपना भी तार निकालना है, ठीक है, ये रहा। अब बाकी आपको कुछ है नहीं, ये अपना स्पीकर का अपना जो वो माइक है वो मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। और इसमें से ये जाएगा अर्थिंग में, ये ब्लैक वायर, तो अपने इसको यहाँ पे अर्थिंग में दे देने वाले, ठीक है, यहीं पे अर्थिंग में भी, और इसी को यहाँ पे माइक में, या फिर एक यहाँ माइक लगा सकते हैं अपने, दिख रहा है आपका, ये यहाँ पे ये माइक में लगा देता हूँ, फिर आपको मैं इसका व्यू दिखा देता हूँ। इसको अपने ऐसे ऐसे नीचे रखें और इसी में जहाँ पे हम लगाएंगे उसी में इसको अर्थिंग दे देंगे, या फिर मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे अपना होन था मैंने निकाल दिया है, कहीं भी इसको मैं सेट कर लेता हूँ, फिर आपको इसका लुक दिखाता हूँ। मैंने फिट कर दिया, अभी इसको मैंने इसे बांध के रखा है, ये तार निकाल दिया है, ये अपने जाएगा यहाँ बैटरी के पॉजिटिव पे। फिर यहाँ पे देखो मैंने मेरी हेडलाइट का भी कनेक्शन है, फिर मेरे हॉर्न का भी कनेक्शन है, फिर वो फॉग लाइट का भी कनेक्शन है, इसको भी यहीं कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये अपने करेंगे बाद में। आप कनेक्शन देने से पहले अब ये अपने अंदर वायर बिछा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जितने भी हैं वो अपने चार मोटर वाले हैं, ठीक है, और ये अपना मेन है। अब अपने इसको बिछाते हैं अंदर, अब ज़्यादा काम नहीं बचा है, ये मैंने देखो वायर पूरा कनेक्ट कर दिया, मैंने जो पांच मोटर वाले में जाएगी वायर में तो ब्राउन और ब्लैक कर दिया, और एक ग्रीन के गुच्छे में ग्रीन हो गए और ब्लू के गुच्छे में ब्लू। एक मैं वायर कर रहा हूँ पीछे दरवाजे के लिए, अगर हुआ तो अपने पीछे लगाएंगे, नहीं तो फिर कोई टेंशन नहीं, पर कनेक्शन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये रहा इसका सॉकेट पीछे वाले में, इसमें दो कनेक्शन कर सकते हैं अपने, क्योंकि क्या था थोड़ा तार लंबा ले जाना रहेगा तो खींच के ले जाएंगे अपने। और ये साइड का अपना लेफ्ट हैंड साइड का दरवाजे का है, ठीक है, इसमें ये था सब कनेक्शन कर देते हैं। अगर आपको टेप मारना है तो आप डबल सिक्योर करने के लिए इस पर टेप मार दो, ठीक है। अब मैं पूरा ये सब तार जोड़ के देखता हूँ आपको। देखो यहाँ पे वायरिंग कर दी, ये वाली उधर की कर दी, बस ये वाला वायर में जो इंडिकेटर चलता है उसको भी मैंने नहीं किया, लेकिन तो भी अपना ये काम कर रहा है। ठीक है, ये अपना काम हो गया। अब बची रही बात ये इसकी, ठीक है, ये करना है बस। तो जो अपना इंडिकेटर इंडिकेटर की लाइट जलती है वो इसमें से जलेगी, ठीक है। अभी इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये मस्त मैंने से टेप मार के, ये टाई आई थी उसके साथ में इसको बांध दिया, ठीक है। और यहाँ से अपने केबल बाहर निकाल के, ये अपने फुटवे में मैंने ड्रिल मार ली है, यहाँ से तार बाहर जाएगा। अब ये पूरा सिस्टम ऐसे सेम सेम लगा दूंगा, सेम उधर का भी लगा देता हूँ पहले। ये देखो ये पूरा मैंने पैक कर दिया, ये जो वायर आया था उसके साथ यूज़ कर लिया अपने, इसके बदले में पाइप यूज़ करने वाले हैं वो, ठीक है। अभी तो फिनिशिंग कर दी, देखो मेरा अभी ये बच्चे ये वायर, इसको अपने अब मेन वायरिंग है, मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाई स्टेप। इसको तो अभी अपने छोड़ रहे हैं, ये बोनेट का है, ठीक है, पूरा सब कुछ करूँगा फिर मैं आपको दिखाते जाता हूँ स्टेप बाई स्टेप सब कुछ। अब ये अपने वायर की कनेक्शन कर लेते हैं, तो इसमें अपने पहले लगाएंगे दो स्काई ब्लू वाले जो ये दो वायर हैं, ये जाएंगे इंडिकेटर में। इसमें जो वाइट कलर है वो जा रहा है ग्राउंड में, चेचिस में कर देंगे वाइट ग्राउंड। और ये है अपने रिवर्स लाइट का, ठीक है, रिवर्स लाइट का आप स्विच करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो फिर जाने भी दे सकते हो उसको, ठीक है। नहीं है तो रिवर्स का लैम्प थोड़ा ढूंढना मुश्किल है, वैसे मैं ढूंढा था अगली बार, जरूरत पड़ती उसको करते, नहीं तो आप इसको बाईपास कर सकते हो अपने, पहले तीन कर देते हैं तो अपना जितने भी इंडिकेटर हैं लोक अनलोक पे खुलेंगे, ठीक है। पहले अपने इसको जोड़ देते हैं, मैं इसमें से ढूंढ लेता हूँ अपना इंडिकेटर रिवर्स का, मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे ढूंढा मैंने इसको, इससे पहले मैं ढूंढा था लेकिन अब मुझे याद नहीं है, देख लेते हैं अपने इसमें इंडिकेटर कौन है। ये जो दो ग्रीन वायर है ना, ये अपने इंडिकेटर के यहाँ कनेक्शन देना है। इसको देखो चालू कर चेक करने का बस तरीका एक है कि आप अपने दोनों इंडिकेटर मतलब पार्किंग लाइट ओ हेजार्ड लाइट चालू कर दो, और यहाँ पे आप ये मल्टीमीटर लगा के और यहाँ कनेक्ट करेंगे इसके अंदर, तो अपने में ये तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये रीडिंग आ रही है, ठीक है, ये मैंने चालू करके रखी है, दोनों में सेम रीडिंग है, ठीक है।
अगर मैं अभी बंद कर दूंगा तो ये अपनी रीडिंग चली गई, ठीक है। ये दोनों अपने इंडिकेटर हैं, ये अपने जो ये स्विच आती कॉम्बिनेशन स्विच, उसमें से केबल बाहर आता, उसमें से आप भी सर्च कर सकते हो आराम से कि आपकी ग्रीन लाइट क्या है। तो आपके लिए मल्टीमीटर का उपयोग करो या फिर आपको बल्ब का उपयोग करो, मैंने दोनों को एक बार दिखाया है अपने वीडियो में, कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तब अपने ये इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये दिखा दूँ, ये कनेक्टर आता है, ठीक है, ये कनेक्टर ला के आपको यूज़ करना कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये अपने पास बड़ा भी है, दिखाता हूँ मैं आपको, मेरा कनेक्टर ये अपने उसके साथ आता ही है, क्या बोलते हैं रिमोट सेंट्रल लोकल के साथ नहीं आता, तो आपको इसका फोटो लेके या सैंपल लेके आप कोई भी एसेसरीज की दुकान से ला देंगे, 5 रुपये पड़ता है, ऑनलाइन मत मंगाना, ऑनलाइन महंगा है, लगभग अराउंड 20 रुपये पड़ते हैं एक प्राइस का, एक पीस का उसके आसपास, 10 रुपया तो भी महंगा है, 5 रुपये में आता है, ठीक है। आप 4-5 लेते आना, आपका काम हो जाएगा, या ला के रख सकते हो आप कहीं भी वायर जोड़ने के लिए यूज़ करोगे। अपने RPM मीटर में मैंने यूज़ किया था नैनो में, ठीक है। अब मैं इसको जोड़ूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोनों स्काई ब्लू का कनेक्शन कर देता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। मैंने 3 वायर कनेक्ट कर दिए, अभी रही 2 बारी इनकी, 2 बारी तब अपने इनको भी कनेक्ट कर देते हैं, देखते हैं, मिलते हैं। तो एक रिवर्स लाइट का है, रिवर्स लाइट का है कि मैंने सब कुछ पूरा कर दिया गाड़ी का, ये रहा देखो, सब काम कर रहा है, ठीक है। वीडियो थोड़ा टाइम लगा लेकिन पूरा हो गया, कैसा लगा वीडियो बताना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।